दोस्तों, सेकंड ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और हम रावण दहन करने आए थे। आपने हमारा पहला एपिसोड देखा होगा जिसमें हमने रावण का दहन भी करवाया था और सारी चीज़ें करवाई थी, हमने क्या क्या खाया था। और अभी हम आगे की चीज़ें दिखाते हैं, उसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या हमने करा और सारी चीज़ें देखने के लिए हमारा दूसरे दियो के संग बने रहे और सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे हम। चलते आगे। बस आई है, बस फंस गई है इधर और देखिए भीड़ में पूरी बस फंसी हुई है और जाम लगा है पूरी रोड पर। खाने पीने वाली रोड है, जाम है सारी और लोगों की आवाजाही बंद है थोड़ी बहुत सी। और देखिए कैसे भीड़ इकट्ठी हुई पड़ी है यहाँ पे। हमने फर्स्ट वीडियो में आपको दिखलाया था कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो देखिए बस कितनी मुश्किल से निकल गया और बस का रूट है। तो बहुत देर के बाद हमारे पापा भी चौमिन खा रहे हैं, खा नहीं रहे थे क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा की जगह नहीं थी यहाँ पर खाने की, पर हमने तो खा लिया बहुत जल्दी। तो दोस्तों हम घर की ओर जा रहे हैं और अभी हमारा घर तो वैसे ही बहुत दूर है और देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ हो रही है। देखिए दोस्तों ये वाली बस यहाँ पे फंसी हुई है क्योंकि लोगों की भरमार यहाँ पे बहुत बड़ी पड़ी है। देखिए बहुत ज़्यादा है। तो अब हम छोले भटूरे खाने जा रहे हैं। छोले भटूरे हमने 90 रुपए के लिए हैं, 30 रुपए प्लेट और 3 प्लेट लिए हैं। आइए दिखाते हैं आपको। छोले भटूरे से प्याज है, सलाद है और छोले बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और ये देखिए दूसरी प्लेट, ये तीसरी प्लेट और हम सब खा रहे हैं। चलो दोस्तों आज खा के आपको दूसरी और जानकारी देते हैं। छोले भटूरे खा लिए, अब हम आए खिलौने की दुकान पे और खिलौने यहाँ पे ले रहे हैं। हमारी बहनें देखिए कितने की मिलते हैं आपको खिलौने। ये देखिए खिलौने तो किसी ने नहीं, पर आपको खिलौने दिखा दे आपको पसंद है तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं। तो दोस्तों हम फिर से घर की ओर जा रहे हैं और रास्ते में देखते कुछ खाने के लिए और मिलता है तो और खाएंगे भी। तो ये देखिए हम फिर दोबारा पीछे की साइड में दिखा देते हैं कितनी भीड़ आ रही है। तो अभी हम खीले ले रहे हैं यानी पॉपकॉर्न और ये देखिए कैसे हो रहा है। देखिए दोस्तों चूल्हे हमने ले लिए हैं। वाह क्या ट्रेन की आवाज थी। कौन है कितने का भैया ये? ना तो दोस्तों हमने चिरैया लिए बजने वाली। दोस्तों भोपू आपको कैसा लगा? बहुत ही ज्यादा आवाज थी उसमें। अभी हम घर की ओर, अभी घर हमारा बहुत दूर है, बहुत दूर तक अभी भीड़ है और चल ही रहे हम। ये देखिए हमारे पीछे कितनी भीड़ है, बहुत ज्यादा गाड़ियों को जाम लगा है। अभी तो चलना है
तो हमको एक और रावण दिखाया रोड पे, और देखिए ये भी हाथों से बनाया गया है, इन लोगों का वो कारीगरों ने बनाया थे, लोगों ने बनाया। तो दोस्तों देखिए रावण, और यहाँ भी देखिए कितनी भीड़ है, बहुत ही ज्यादा शोर शराबा है यहाँ पे भी। ये देखिए दोस्तों खिलौने रखे हुए हैं, ये दोस्तों जाम लगी पड़ी यहाँ पे। बहुत ही बड़ी भीड़ ना, फसी बड़ी है इधर, पूरे मंदिर देखो कितना बढ़िया सजाया हुआ है। देखिए दोस्तों बसों में बसें जाम लगे, जाम बहुत लंबा लगा है। ये देखिए वहाँ पर नहीं खड़े होने देखिए हमारे देश का झंडा। तो दोस्तों हमने 20 रुपए का भी सिकंजी 2 गिलास लिए है, प्यास लग रही थी इसलिए सिकंजी ले ली पानी यहाँ पे की बोतल। तो अभी हमने सिकंजी लिया है वो भी 20 रुपए की पड़ी है, और अभी हम पी रहे हैं, 2 ही गिलास ले पाए हैं क्योंकि किसी की प्यास नहीं लग रही थी इसलिए हम 2 ही गिलास लिए हैं। और सारी चीज़ें आगे दिखला रहे हैं, चलिए चलते हैं दोस्तों, हमारे संग बने रहते हैं और सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। चले दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंडा है, मेरे को ठंडा पीने की आदत नहीं है। तो गाइस हमने दही बड़े भी ले लिए, और दही बड़े जाके हम घर पे खाएंगे क्योंकि हमारी बहन को बहुत ज़्यादा पसंद है दही बड़े। लो दही बड़ी। तो हमने आइसक्रीम भी ली है, 30 वाली कोन 2 ली हैं, और चलते हैं अब अपने घर की तरफ। ये दोस्तों ये है दही बड़ा, हमारी मम्मी खा रही हैं ये आइसक्रीम जो हमने 30 रुपए की ली थी। ये और खा लो, तनी खनका दो तनी एकदम। तो गाइस फाइनली हम घर आ चुके हैं, और आपने देखा कि रामलीला कैसा है और कितना बढ़िया था, और रावण दहन कितना अच्छा हुआ, और इतनी सारी भीड़ थी, इतनी सारी भीड़ भाई साहब पूछो नहीं, बहुत ज्यादा भीड़ थी। वो तो आपने भी वीडियो में देखा कितनी सारी भीड़ थी, पर हम भी मेहनत से बनाते रहे, और ज़्यादा ही भीड़ हो गई थी, हमें धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा, इसलिए हमें कमेंट और लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसलिए हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो दोस्तों आपके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो आपने देखा होगा वीडियो में रोड पे कितना जाम लगा था, और आते टाइम कितना जाम लगा, हमने क्या क्या खाया क्या क्या करा सारी चीज़ें हमने वीडियो में दिखला रखी है। पर अभी आवाज़ में कोई दिक्कत हुई हो तो हम फिर से आपको बता दे रहे हैं। और पार्क में देखा था आपने रामलीला मैदान में कितनी सारी भीड़ थी, इधर इस साइड में औरतें थी, इस साइड में आदमी थे, पर जब रावण और राम जी की जब लड़ाई स्टार्ट हुई तो सारी पब्लिक हमारे पीछे आ गई, बिल्कुल धक्का हमको दबा दे, तो BSF वालों ने और पुलिस वालों ने हमारी बहुत मदद करी, हमको पीछे कराया, सबको अलग अलग कराया, पर फिर भी भीड़ नहीं मानी है, इसीलिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। और आगे चलते हुए हमने आपको दिखलाया रावण और राम की लड़ाई, और हमें पता नहीं चला कब रावण मरा और कब राम ने मारा उन्हें, धीरे धीरे लड़ाई चलती रही, और उसमें कैमरामैन वाले भी थे, वीडियो वाले भी थे, और स्टाफ के लोग भी थे, नेता भी थे, जो भी आयोजन के कार्यकर्ता थे सब लोग थे, और सबसे पहले यानी बैगनाथ को, फिर उसके बाद इधर वाले रावण को यानी कुंभकर्ण को, फिर लास्ट में रावण की बारी थी जिसमें आवाज़ बहुत सारी निकली थी, वो हमने आपको वीडियो में भी दिखलाया है।
पर आवाज बहुत ज्यादा थी। तो दोस्तों ग्राउंड में भी बहुत ज्यादा भीड़ थी, आपने खुद देखा है, और खाने पीने की दुकानों पे तो इतनी भीड़ थी कि बस के लिए जगह नहीं थी। ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। और लास्ट में जाते जाते हमें एक और रावण दिखा जो लोगों ने बनाया था अपने गली मोहल्ले, यानी गली मोहल्ले का मतलब यानी अपनी कॉलोनी के जो लोग होते हैं उन्होंने आपस में मिलकर वो रावण क्रिएट करा था। और आगे आगे चलते हुए हमने झंडा भी आपको दिखलाया, देश का ध्वज, और जो भी सारी चीज़ें आपने देखी है। और अगर मेरी बातों से ना समझ पा रहे हो तो बिल्कुल आप जाके वीडियो भी देख चुके हैं, आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो भी आपने देख चुकी होगी। शायद आपको मेरी बात अच्छी ना लग रही हो क्योंकि मेरी अभी स्टार्ट ही करा है, इसलिए मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कैसे बोलना है, पर जो भी है थोड़ा सीख जाऊंगा, फिर उसके बाद धीरे 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 हमारा कॉन्टैक्ट बनने लग जाएगा और हम भी आपसे पूर्ण रूप से बात करने लग जाएंगे। अभी थोड़ी इंग्लिश से भी दिक्कत है इसलिए हम पूर्ण रूप से आपसे बात करने लग जाएंगे, पर हमारी मेहनत पे एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं हम अपने अगले ब्लॉग में। चले दोस्तों, ओके बाय।